मैं भारतीय जनता पार्टी नाथद्वारा का देखता हूँ कि वो कांग्रेस पर तो प्रहार करती है, नगर पालिका पर भी प्रहार करती है, मगर सीपी जोशी पर सीधा सीधा कुछ भी बोलने से, कुछ कड़े आरोप प्रत्यारोप से बचती है क्या? इसका कारण कहीं मतलब नेता का कद बहुत बड़ा है, वो डर है, या फिर कि इन्होंने इतने काम करवा लिए कि इनके खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान हो जाएगा? सीपी जोशी जी जैसे कद्दावर नेता जो आप कह रहे हैं, वो नाथद्वारा छोड़ के बाहर नहीं जा सके। महेश प्रताप सिंह जी का साथ हाथ कांग्रेस के साथ, ये वाला दौर कैसे शुरू हो गया? गंदगी फैली हुई है नाथद्वारा में, सड़कें टूटी हुई है, इसकी बार आप मान के चलिए कि या फिर कमल खिलेगा। महेश प्रताप सिंह जी को कल्याण सिंह जी का करियर देख के समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने का रास्ता कांग्रेस में होकर से आता है। तो कभी सीपी साहब मिलते तो कहते नहीं कि अरे आप कांग्रेस में आए और मेरे साथ काफी काम किया और आज मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हो आप? सीपी जोशी कोई अजय नहीं है, वो तो हार चुके हैं दो बार। आपकी सक्रियता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि महेश प्रताप सिंह जी उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से एक दावेदार के, एक प्रत्याशी के तौर पे उनको होना चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई उस वक्त कि मन मार के मेरे को कांग्रेस में जाना पड़ा। हर गांव में जाके ये नहीं कहूंगा कि मेरे को दुपट्टे पहनाओ या पैसे पहले भेज दो, ये इस टाइप की भी राजनीति में करना नहीं चाहता। एक इंजीनियर फेलियर जो कहते हैं, वो पुल आपने बनाया है जिसमें 80-80 स्पीड ब्रेकर हैं, एक हाईवे में कहाँ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं? उन लोगों को लगाओ कि हम में से किसी एक को अवसर मिलेगा और अचानक से कांग्रेस से एक चेहरा भाजपा में आकर टिकट ले लेता है, तो परिणामों को प्रभावित करने वाला ये भी कहीं एक फैक्टर रहा हो। प्रिया कुमारी जी जयपुर छोड़ के यहाँ क्यों आएंगी? सीपी जोशी जी अब की सक्रिय भी रहे सब है, लेकिन आज नगर पालिका का हाल देख लीजिए नाथद्वारा का। भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के पार्षद भी परेशान है। मेरा वापस जुड़ा बीजेपी से था, मैं अपने परिवार में ही वापस आया था। ये अन्याय हो रहा है, इसका भुगतान उनको कांग्रेस को करना पड़ेगा, ये भुगतेंगे अभी। आपका कृष्णा सर्किट है, उसको पहले छोटा फिर बड़ा किया गया, अब उसकी रोड इतनी सकड़ी कर दी, उसको अलग नाम दिया जा रहा है। आपका फूड कोर्ट देख लीजिए, फूड कोर्ट बन के तैयार है, अब उस फूड कोर्ट में आप कभी से शिफ्ट हो सकते हो। उद्घाटन में बैठा, आज दीवारें गिर गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया वो फूड कोर्ट। मोदी जी के अलावा सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल हीरो कौन है आप? नमस्कार, चुनावी साल है, चुनावी साल में हम कोशिश कर रहे हैं चुनावी चेहरे आप तक पहुंचाए और राजसमंद की एक जिले की एक विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे चेहरे को आज हम आपसे रूबरू करवाना चाह रहे हैं जो न केवल पिछले चुनाव में एक महत्वपूर्ण किरदार थे, बल्कि थोड़ा सा मैं ये बताऊँ कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से पहले एक राजतंत्र का लंबा चौड़ा दौर रहा है, तो उस राजतंत्र से भी सीधे सीधे जुड़े रहे हैं और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आने के बाद इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न केवल एक दावेदार के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, बल्कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहते हुए आगे आने वाले चुनावों में अपनी दावेदारी, अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से पुरजोर तैयारी हो रही है। जी हाँ, हम आज हैं नाथद्वारा और नाथद्वारा में अभी हमारे साथ हैं महेश प्रताप सिंह चौहान और इनसे रूबरू होने के साथ साथ जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है और कैसा रहने वाला है राजसमंद के नाथद्वारा का रण। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं की तरफ आगे बढ़े, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जाने कि आखिर महेश प्रताप सिंह जी का प्रारंभिक जीवन क्या है, थोड़ा सा हम आपके लिए आपके बारे में जानना चाहते हैं। प्रारंभिक जीवन मेरा जन्म यहीं का ही है कोठारिया का, और इनिशियल जो एजुकेशन थी, जो बेसिक स्टार्ट होती है, वो मेरी उदयपुर की थी, और मैं दूसरी क्लास में 1968 में जी अजमेर चला गया और फिर थ्रू आउट मैं अजमेर रहा 1985 तक। तो मेरी पूरी पढ़ाई अजमेर की है, और सबसे ज़्यादा उस वक्त जो दौर चल रहा था उसमें हमने खूब भाग लिया, और खेलकूद में मेरा विशेष स्पोर्ट्स में मेरा बहुत रुचि रही है, और मैं बास्केटबॉल का काफ़ी अच्छा ऊपर तक गया हुआ प्लेयर था जी। स्कूल का क्रिकेट कैप्टन था, फिर कोठारिया में आके मेरे अंकल जो राजसमंद से ओनली रणजी प्लेयर हैं अभी तक 1961-62 में खेले थे, उनके सानिध्य में हमने कोठारिया की टीम बनाई थी और हम कांकरोली से नाथद्वारा से सबसे मैचेस लेते थे और जीतते थे हारते थे, अच्छी टक्कर है, कोठारिया की नामी टीम थी उस वक्त तो क्रिकेट में। फिर शूटिंग में मैं राजस्थान नंबर वन रहा हूँ जब गवर्नमेंट कॉलेज में था 1982 में, तो ये रुचि मेरी स्पोर्ट्स में काफ़ी थी और इनिशियल मैं यहीं रहा हूँ, ज़्यादातर छुट्टियों में आते थे, बाकी पढ़ाई लिखाई सारी मेरी बाहर हुई। फिर मैं 1985 पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं चाय बागान में चला गया था, टी गार्डन्स में, पर मैं अकेला सन था मेरे फादर का,
और मेरे फादर की तबीयत ख़राब होने से मैं वहाँ ज़्यादा रहा नहीं, 6 महीने में वापस आ गया। तब से यहीं हूँ और पॉलिटिकल फैमिली थी मेरी शुरू से ही। मेरे फादर जनसंघ के टाइम्स के तहसील अध्यक्ष रहे थे 1960s में। तो हम आए, फिर शिवदान सिंह जी मेरा अंकल, वो पहले प्रधान का चुनाव लड़े, सरपंच भी रहे, 2 बार MLA रहे, तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हुआ था। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में रुचि लेनी चाहिए और पब्लिक की भी इच्छा थी, तो हमने 1995 से मैंने शुरुआत की। यूँ तो मैं पहले से ही सक्रिय था, लेकिन 1995 में मैंने पहले चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, हरिओम सिंह जी जब जिला प्रमुख बने थे 95 से। फिर मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा राजसमंद जिले का, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई। बस तो मैं वहीं आने वाला था कि राजनीतिक सफ़र में आप जितने भी जिक्र कर रहे हैं उसमें जनसंघ का नाम आ रहा है, उसमें शिवदान सिंह जी का नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा है, भाजयुमो का नाम आ रहा है, और अचानक से फिर महेश प्रताप सिंह जी का साथ हाथ कांग्रेस के साथ, ये वाला दौर कैसे शुरू हो गया है? देखिए, ये व्यक्तिगत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जब आपके अहम पे कहीं चोट लगती है और ऐसा लगता है कि आपको कुछ दरकिनार नहीं भी करें, क्योंकि मेरी DNA में आप अभी ले तो BJP जनसंघ है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई उस वक्त कि मन मार के मेरे को कांग्रेस में जाना पड़ा। वाकई मेरे को BJP में उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कांग्रेस में गया, लेकिन और मैं एक चुनाव भी जीता कांग्रेस से, जिला परिषद चुनाव लड़ा था मैं वहाँ से। पहला वाला चुनाव लड़ा था मैं कोठारिया और सिसोदा के बीच वाला, और दूसरा चुनाव मैं लड़ा था इधर मावली वाली जो पंचायतें हैं सालोर साइड में, उतनौल सालोर, तो वो लड़ा था। ये जो एक लाइन आपने यूज़ की कि कहीं भारतीय जनता पार्टी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था या सहज नहीं था, इसके क्या कारण रहे होंगे राजनीतिक रूप से देखा जाए? व्यक्तिगत जो था, कुछ परिस्थितियाँ हुई, कुछ अब इसको ज़्यादा एलोबरेट करें तो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से जो लोग थे वो अब इन्वॉल्व भी नहीं है पॉलिटिक्स में या कहीं चले गए हैं, तो उनका जिक्र अब ना करें तो ठीक है। किसी के कारण से मैं पार्टी मन मार के पार्टी छोड़ के गया, लेकिन देखिए आप पार्टी की उनकी वापस पार्टी ने मेरे को मौका दिया, मेरे को बुलाया, मेरे को सम्मान दिया, और मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे को टिकट मिलेगा, लेकिन उन्होंने मेरे को टिकट भी दिया। तो इतना सारा आपको लगता है कि जब कल्याण सिंह यहाँ से चुनाव लड़े उस वक्त दावेदारियों में आपका नाम भी एक बड़े मजबूती से रहा, और वो भी कहीं से वहाँ से भी कुछ कारण निकल कर आते हैं? किस में? BJP में? जी नहीं, कल्याण सिंह जी के बाद मेरा नाम आया जी, उनके रहते हुए तो था ही नहीं उस टाइम। शिवदान सिंह जी का नाम चल रहा था, कल्याण सिंह जी या शिवदान सिंह जी का, तो कल्याण सिंह जी को टिकट मिला था और एक वोट से उस टाइम मैं कांग्रेस में चला गया था जी। उस वक्त मैं आप जा चुके थे कांग्रेस में जा चुके। ऐसा तो नहीं है कि महेश प्रताप सिंह जी को कल्याण सिंह जी का कैरियर देख के समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने का रास्ता कांग्रेस में होकर से आता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो टोटल कोइंसिडेंस था कि उनके भी ऐसा ही हुआ और मेरा भी हुआ, दैट वाज टोटल कोइंसिडेंस। बाकी ऐसा कोई सोच के ऐसा कि ऐसा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले BJP में रहा हूँ। इसमें देखो फर्क आप देखिए कि कांग्रेस से BJP में आए कल्याण सिंह, मैं BJP में रहता हुआ कांग्रेस गया, वापस BJP में आया, तो ये मेरा वापस जुड़ा BJP से था, मैं अपने परिवार में ही वापस आया था। परिवार में तो वापसी हुई, मगर परिवार में वापसी के लिए कहा जाता है कि ये वापसी की नियम शर्तें सारी तय हो गई थी कि मैं आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम गए थे जयपुर, शिवदान सिंह जी साथ थे, हमारे नवल जी सुराना साथ थे, हम सब वहाँ गए थे और वहाँ मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी में आइए और आपका सम्मान होगा आपको। मेरे को अच्छा लगा, वैसे भी लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, जो मेरी पार्टी है वो, मेरी जो विचारधारा है वो BJP की तरफ ही है, तो वहाँ गए और फिर वहाँ पे ऐसा जोग संजोग हुआ जो मेरे को मौका मिला। तो कभी CP साहब मिलते तो कहते नहीं कि अरे आप कांग्रेस में आए और मेरे साथ काफ़ी काम किया और आज मेरे साथ नहीं चुनाव लड़ रहे हो आप, मुझे हराने के लिए मैदान में आ गए? ऐसा कुछ नहीं होता है पॉलिटिक्स में। अब वो तो ये सबको, कल्याण सिंह को भी कह सकते थे, मेरे को भी कह सकते थे, ऐसा कल्याण सिंह जी के लिए तो कहा जाता है कि भाई राजनीति जिनसे सीखी है उनके सामने उनके शिष्य, गुरु को शिष्य ने हरा दिया, तो कुछ ऐसा ही आपके साथ ये तो नहीं रहा कि? नहीं, मेरे सिंह साहब देखते होंगे कि लोग आते हैं कांग्रेस में, हमारी सारी हमारी कार्यप्रणाली सीख लेते हैं और फिर हमारे सामने आके चुनाव लड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, CP साहब से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाया। मैं 2008 में जब कांग्रेस ज्वाइन की मैंने, उस वक्त CP साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, बट उसके तुरंत बाद ये एक वोट का
सिलसिला हुआ और उसके बाद सीपी साहब केंद्रीय मंत्री बन के चले गए, तो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। मैं कुछ सीखना चाहता था पर इतना नहीं रहा। उसके बाद भीलवाड़ा से वो ज़्यादा टाइम वहाँ देते थे, नादवारा आना कम होता था। फिर मैं भी जिला परिषद मेंबर बन गया था उस टाइम कांग्रेस से। लेकिन उसके बाद सेकेंड टाइम जब वापस हुआ, जब देवकी नंदन जी लड़े थे, उस वक्त भी सीपी साहब और हमारे बहुत ज़्यादा मिलते थे बट कम। इतना मेरा इंटरेक्शन नहीं रहा कि आप वो गुरु और चेला और वो करें कि हाँ कल्याण सिंह जी तो बचपन से साथ थे तो वो बात सही है, पर मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। बट मैं सम्मान करता हूँ आदमी। पारिवारिक रूप से भी अगर देखा जाए राजनीति में, जैसा आपने कहा मैं बीच में कांग्रेस में चला गया, उस वक्त जब आप कांग्रेस में थे तब चुनाव भारतीय जनता पार्टी से कल्याण सिंह जी लड़ते थे, कहीं ना कहीं पारिवारिक जुड़ाव भी रहता था। ऐसे में स्थितियाँ सहज होती थी कि भाई अपने पारिवारिक लोगों के सामने प्रचार करना, ये मतलब राजनीति में अब थोड़ा इन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा? नहीं, ये देखिए बहुत सी फैमिलीज़ में हैं। अब आप ये बताऊं आपको मैं कि पंचायत चुनावों में आजकल हर घर में चाहे सरपंच का हो चाहे पंचायत समिति का हो, जिले सब आमने सामने आ जाते हैं और जहां अपनी विचारधारा होती है वो अपना पक्ष मजबूती। हालांकि वहां पर तो अब ये भी कहा जा सकता है कि वहां तो उस परिवार में ही दोनों पार्टियों में लोग अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और कांग्रेस से भी जुड़ा है। मगर महेश प्रताप सिंह ने जो चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव और उस परिणाम तक आऊँ उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि अनुभव क्या रहा या उस वक्त की क्या स्थितियाँ रही, मतलब कि क्योंकि सीपी जोशी एक इतना कद्दावर नाम है कि जिनसे माना जाता है कि राजनीति के जो राजस्थान की राजनीति में आज जो सक्रिय है उनमें एक बड़ा नाम होता है, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना वो अनुभव कैसा रहा? फिर थोड़ा स्थिति और परिस्थितियों पर भी आएंगे। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के स्टॉलवर्ट थे और उस टाइम सीएम के दावेदार थे, बहुत बड़ा नाम था सीपी जोशी, तो उनके सामने चुनाव लड़ना एक और ज़्यादा चैलेंज था और जो पार्टी ने मुझे दिया। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त मेरे को वक्त कम मिला था और इधर हमारे बीच में बीजेपी में दावेदार भी थे और तो उनका आपस में मनाना करना काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि जो पब्लिक ने मेरे को प्रेम दिया उस वक्त और सीपी जोशी जी जैसे कद्दावर नेता जो आप कह रहे हैं, वो नादवारा छोड़ के बाहर नहीं जा सके। वो एक पार्टी के पूरे राजस्थान में प्रचार करेंगे लेकिन उन्होंने एक दिन भी नादवारा नहीं छोड़ा। तो इसे आप अपनी सफलता मानते हैं कि सीपी जोशी को मैंने उनके ही क्षेत्र में ब्लॉक करके रख दिया गया थोड़ा समय राजनीति? आप मेरी सफलता क्या, ये पार्टी का डर के बीजेपी की इतनी ज़्यादा। महेश प्रताप सिंह जी के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा, लोगों ने बड़े अच्छा समर्थन दिया, एक मजबूत अवसर था, मगर चुनाव के आखिर आते आते कहीं ना कहीं महेश प्रताप सिंह थोड़ा कमज़ोर पड़ गए। उनको लगा कि ये चुनाव शायद मेरे हाथ में नहीं है, तो थोड़ा सा उन्होंने उस चुनाव को आखिरी दिनों में वैसे नहीं लड़ा जैसे नहीं, लड़ना चाहिए। चुनाव मैंने बिल्कुल अपने लड़ा था और जो पब्लिक का प्रेम मिला था, जो मेरे युवाओं ने कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, दिल खोल के काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और जब भी इतना मार्जिन रहा, आज 15-20 दिन का चुनाव लड़ना और 72,000 वोट आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उपलब्धि थी और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण हो पाया है। बाकी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे और आखिर दौर तक हम डटे रहे थे, हमको विश्वास था कि पब्लिक साथ रहेगी। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी, कुछ कारण ऐसे हो गए कि नादवारा प्रॉपर में हमको नहीं मिला। वहाँ नॉर्मली क्या होता है कि 500-1500 का डिफरेंस रहता है दोनों पार्टीज में ऑलवेज, वो 5,000 से लग गया, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। क्योंकि नादवारा आने से पावर हाउस नादवारा होता है, वहाँ से एक बात उठती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी कहीं ऐसा नहीं है, कोठारिया मंडल से मैं आगे रहा हूँ और पहले 5-6 राउंड में तो हम 100-200 आगे पीछे चल रहे थे। अब फिर भी जैसे कि कांग्रेस में एक लंबा टाइम बिताकर वापस आप भारतीय जनता पार्टी में वापसी की, भारतीय जनता पार्टी में आज भी है और उस वक्त भी दावेदारों की एक लंबी सूची हुआ करती थी। कल्याण सिंह जी के परिवार से भी थे, उधर से अगर हम थोड़ा सा दिलवाड़े की तरफ जाए तो लक्ष्मण सिंह जालौर, इस तरह से एक लंबी सूची थी। तो ये भी एक कारण रहा हो कि उन लोगों को लगा हो कि हम में से किसी एक को अवसर मिलेगा और अचानक से कांग्रेस से एक चेहरा भाजपा में आकर टिकट ले लेता है, तो परिणामों को प्रभावित करने वाला ये भी कहीं एक फैक्टर रहा हो सकता है कुछ ये रहा हो एकदम नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। अगर मेरे को ये कुछ वक्त पहले मिल जाता तो हो सकता है कि सब हम एक परिवार होकर करते, वैसे सबने काम किया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं कोई फ़र्क रहा हो, और ये चुनाव को बहुत मार्जिन होते हैं, बहुत कम मार्जिन के होते हैं, तो हो सकता है। दावेदारों की लिस्ट तो आपकी बारी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ऐसी इस अब क्या स्थिति देखते हैं आप? नहीं, दावेदारी करना सबका हक है, करना चाहिए, सब पार्टी में आए हैं, पॉलिटिक्स आए हैं तो मन रखना चाहिए। अब परिस्थिति क्या होगी वो पार्टी जाने, क्योंकि पार्टी सब काम बहुत मजबूती से देख रही है और नीचे लेवल तक देख रही है, एक एक चीज़ समझ रही है। और अभी जितने भी स्टेट्स में, जहाँ भी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, पार्टी पूरा फोकस करके
और बहुत अच्छा काम करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसको। राजसमंद के चार विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें अगर अभी दो भाजपा से दो कांग्रेस से विधायक है, भीम क्षेत्र को देखें तो लोग कहते हैं कि हरी सिंह जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी लगे हुए हैं, दो बाकी के दो विधानसभाओं में तो आपके भारतीय जनता पार्टी से MLA हैं अभी हाल में, तो कांग्रेस और भाजपा की ये लड़ाई जब नाद्वारा में आती है तो बड़ी असमंजस की स्थिति में आ जाती है, तो यहाँ तमाम किंतु परंतु के बीच में आपको लगता है CP जोशी को हराया जा सकता है? क्यों नहीं हराया जा सकता है? 1990 में जब कितने वोट हुआ करते थे उस वक्त 10,000 से CP जोशी को शिवदान सिंह जी ने हराया, फिर एक वोट से कल्याण सिंह जी ने हराया, तो CP जोशी कोई अजय नहीं है, वो तो हार चुके हैं दो बार, और ये तो 2018 में भी कुछ टाइम का फैक्टर हो गया था, नहीं तो हो जाता, अब की बार आप मान के चलिए कि यहाँ फिर कमल खिलेगा। क्यों इस कमल के खिलने का आप दावा कर रहे हैं, इस कमल के खिलने में जो भी हाल ही में नरेंद्र मोदी की एक सभा हुई, इन चीज़ों का भी कहीं कोई असर दिखाई देगा? बिल्कुल पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के आने से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, उससे न सिर्फ नादवारा में, मैं कह रहा हूँ पूरे राजसमंद में, उदयपुर संभाग में फ़र्क पड़ेगा, वो आएंगे तो एक बार फ़र्क तो पड़ता है। आपकी सक्रियता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि महेश प्रताप सिंह जी उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से एक दावेदार के एक प्रत्याशी के तौर पर उनको होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नादवारा की जिस प्रकार से उनको कमांड संभालनी चाहिए और वो एक सक्रियता दिखानी चाहिए, वो सक्रियता दिखाई नहीं देती है, इसको लेकर सवाल भी उठते हैं रह रहे। अब मैं आपको इंद्र जी पूछूं, सक्रियता की डेफिनेशन क्या, क्या परिभाषा है सक्रियता की? परिभाषा अगर कहीं मौत मरण होती है वहाँ जहाँ जाना होता जाता है, शादी ब्याह में जाना, पार्टी के तौर पे पार्टी के कार्यक्रमों में एक जो एक वो भूमिका होती है अग्रणी की, हाँ ये मैं कमांडिंग पोजीशन में हूँ, और सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये भी निकल के आता है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दो जिलाध्यक्ष, पहले वीरेंद्र पुरोहित और अभी मानसिंह भारत, दोनों ही नादवारा क्षेत्र से आते हैं, मगर फिर भी यहाँ नादवारा में आते आते भारतीय जनता पार्टी बड़ी बिखरी बिखरी दिखाई देती है। नहीं, ऐसे बिखरी हुई तो नहीं है कि देखिए, अब मानसिंह जी बारट बेसिकली नादवारा के यहाँ पर रहते हैं राजसमंद में, और वीरेंद्र पुरोहित प्योरली यहाँ के हैं, तो यहाँ पे बिखरी हुई मान का, और जो भी आप बता रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो हम कोई चाहे राजसमंद में प्रोग्राम हो चाहे नादवारा में प्रोग्राम हो, तो वहाँ तो मैं सक्रियता से मतलब सक्रियता जैसे लेकिन आपकी उपस्थिति दिखाई देती है, एक ऐसा लगता है कि पार्टी का कार्यक्रम है और मुझे आना है, एक वो जो भूमिका होती है ना, क्योंकि मैं जब आपको देखता हूँ चुनाव के समय से, मैंने आपको नोटिस किया तो बड़े सहज सरल सौम्य चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो बड़े मिलनसार दिखाई देता है अगर दूर से हम थोड़ा सा एनालाइज करें, मगर राजनीतिक रूप से जो एक भूमिका होती है कहीं लगता है कि उसमें थोड़ा सा अभी भी हिचक है। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो मेरा नेचर है और मैं अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता, जो मैं हूँ जो हूँ, मैं आर्टिफिशियल बन के सामने नहीं आना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा सबको मालूम है और वो एक्सेप्ट भी करते हैं पब्लिक। और जो आप कह रहे हैं सक्रियता से, देखिए यहाँ पे एक MLA होना अलग बात है, अगर एक जैसे आप देखें सुरेंद्र सिंह जी हैं, दीप्ति जी हैं और हरी सिंह जी हैं, वो MLA रह चुके हैं, मेरे पास कभी MLAship थी नहीं, तो एज अ कैंडिडेट चुनाव प्रत्याशी के हिसाब से मैं सामने हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी सीट नहीं है। हाँ, पार्टी मेरे को पूरी तवज्जो देती है और हर मौके पे देती है कि भाई यहाँ विधायक नहीं है तो आप सक्रियता से, और वो मैं करता हूँ, और हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं ये एक पूरी टीम है, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं, मैं अकेला एकदम सामने आके ये शो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मैं बता रहा था कि आपको डेफिनेशन क्या है पर उसकी सक्रियता की, कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर गाँव में जाके ये नहीं कहूँगा कि मेरे को दुपट्टे पहनाओ या पैसे पहले भेज दो, ये इस टाइप की भी राजनीति मैं करना नहीं चाहता हूँ, जो मैं हूँ जो हूँ और जिस सरलता से मैं चल रहा था मैं अपना आपका नेचर ऐसे ही रखना चाहता हूँ। आप नेचर तो ऐसा रखना चाहते हैं, मगर जैसे कि बार बार चीज़ें सारी दावेदारों पे आती है और दावेदारी की हम अलग अलग चेहरे देखते हैं, उसमें कुछ चेहरे ऐसे दिखते हैं जो आपके परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो एक ही परिवार से काफ़ी चेहरों का सामने आना, ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक थोड़ा स्थिति परिस्थितियों को थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देती है? एकदम तो वह नहीं, सब सक्रिय है और वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ठीक बात है। दावेदारों में कई बार मैं देखता हूँ जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में जाता हूँ, दावेदारों की जो तमाम सूचियाँ होती है उसमें आपस में कई दावेदारों में एक दूसरे में पैक्ट भी होता है कि चलो हम चार लोगों का एक ग्रुप है, हम में से किसी को मिल जाएगा तो हम साथ रहेंगे, तो या नादवारा में भी ऐसी कोई बातचीत चलती है कि हाँ ये हम नहीं, ये ऐसे चार जने साथ जाएंगे ना तो ऊपर वाले कहेंगे कि आप वैसे एक नाम दे दो, वो फिर वापस बिखर जाते हैं, नादवारा में नहीं, वो ऐसे बात करके जाते हैं कि हम चारों में से किसी को एक को दे दो, दूसरों को नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपनी दावेदारी खुद करना है, नादवारा वाले देखेंगे पार्टी वाले। नादवारा भाजपा का मेरे को एक और एक दो फैक्टर और निकल के आते हैं कि अमूमन तमाम अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं, मगर उन चेहरों में दो तीन चेहरे ही ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े मजबूत चेहरे हैं, उनमें एक नाम आपका भी आता है, और यूं करके
इन सारी चर्चाओं के बीच में फिर अचानक से रह रहे के बीच में ये बातें भी आती है कि हो सकता है कोई बाहर का दावेदार आके चुनाव लड़े, तो ये खबरें आपको कितना प्रभावित करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं और अचानक से बाहर से कोई दावेदार आ जाए? दिया कुमारी जी के लिए लगातार चर्चाएं चलती है, हालांकि उन्होंने मेरे को मना किया था एक बार कि हम नहीं लड़ रहे हैं, मगर ये खबरें लगातार चलती है कि बाहर से कोई आ सकता है। दिया कुमारी जी जयपुर छोड़ के यहाँ क्यों आएंगे? फिर पार्टी के जो आदेश होगा वैसे है, जयपुर छोड़ के यहाँ क्यों आएंगे? जयपुर वहाँ बिराजते हैं, सवाई माधोपुर पास है, उनके पास लोकसभा की सीट है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है दिया कुमारी जी। वो है, मगर जो नाथद्वारा का राजनीतिक सिनेरियो है उसमें माना जाता है कि राजपूत वोट बैंक बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ऐसे में एक वो चेहरा जो जिसके नाम से सारे राजपूत एक हो जाएंगे, वो चेहरा सबसे प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ेगा। तो ऐसी 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 पूरी सूची चलती है, तब ये सारी अब वो अफवाहें कहिए या राजनीतिक सुर्खियां कहिए, अब वो जो भी है ऐसी खबरें आती रहती है। ये तो पार्टी की सोच है, वो क्या सोच रही है, किसको लाना चाह रही है, किस मकसद से क्या होगा, ये आप पार्टी पर छोड़ो, बहुत सक्षम है वो, जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही अच्छा निर्णय लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, यह कमल खिलेगा और जो भी पार्टी आएगी, जो भी कैंडिडेट आएगा, वो उसके साथ सब लगेंगे। कमल खिलने की बात कर रहे हैं, राजपूत वोट बैंक की मैंने बात की, अमूमन होता यह है जैसे कि एक दो और हमने भी देखा है, और कि एक चेहरा राजपूत चेहरा आता है सामने, सीपी जोशी चुनाव लड़ते हैं। इस बार सीपी जोशी जब से आए हैं राजस्थान में बड़ी प्रभावी भूमिका में है, बड़ी ताकतवर पोजीशन में है, मगर स्थानीय राजनीति में थोड़े से अगर हम बदलावों को महसूस करें तो देखा जा रहा है कि किस प्रकार से रेलमगरा क्षेत्र में उन्होंने आदित्य प्रताप सिंह को आगे किया है, आपके कुनबे से वैभव राज सिंह जी को लेकर चले गए और उन्होंने वहाँ उप प्रधान बना लिया, फिर अभी जो हाल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ, वहाँ मेवाड़ राजघराने से लक्ष्यराज सिंह आए, उन्होंने सीपी जोशी की बड़ी तारीफों की, एक पूरी की पूरी फहरिस्त शुरू की। तो आपको लगता है कि आपके वोट बैंक में सेंध बड़ी मजबूती से कोशिश कर रहे हैं कि इस वोट बैंक में सेंध मार दी जाए? यहाँ वोट बैंक का सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, जिस दिन वोट डालने जाएंगे उस मैं परिवार के सबको भारतीय जनता, चाहे आप किसी का भी नाम ले लें, वो आए किसी तारीफ करें कराएं, उससे भारत यहाँ राजपूतों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम जनता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कोई भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि कहीं कमजोरी है, तो देखिए सीपी जोशी जी अब की सक्रिय भी रहे सब है, लेकिन आज नगरपालिका का हाल देख लीजिए नाथद्वारा का, भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस के पार्षद भी परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है, आयुक्त छोटी सी एनओसी नहीं दे रहा है, चक्कर लगा रहे हैं लोग बाग, गंदगी फैली हुई है नाथद्वारा में, सड़कें टूटी हुई है, तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि आपका आयुक्त ना, आप इतने पावरफुल लीडर के साथ आप अच्छी तरह से चला सकते थे, लेकिन नहीं है। अब आप मैं बताऊं आपको कि कितना पैसा दुरुपयोग हुआ है, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है सरकार का, आपके अंबेडकर मूर्ति बनाई तोड़ी गई, वापस बने वापस तोड़ी गई, ये क्या क्यों पैसे दुरुपयोग? कृष्णा सर्किट का क्या हुआ? आपका कृष्णा सर्किट है, उसको पहले छोटा फिर बड़ा किया गया, अब उसकी रोड इतनी सकड़ी कर दी, उसको अलग नाम दिया जा रहा है। आपका फूड कोर्ट देख लीजिए, फूड कोर्ट बन के तैयार है, अब उस फूड कोर्ट में आप कभी से शिफ्ट हो सकते हो, उद्घाटन में बैठे आज दीवारें गिर गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया वो फूड कोर्ट, तो इस हिसाब से क्या है? आपका जो गौरव पथ राजस्थान का सबसे बड़ा है, उसकी सड़क की हालात आप देख ली, तो ये एक महाराणा प्रताप जी सिंह की मूर्ति लगाई, महाराणा प्रताप जी की अच्छी बात है, मूर्ति लगानी चाहिए, लेकिन उसका अगर उद्देश्य आप राजनीति लेके चल रहे हो तो आप गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। आप नगर पालिका के मामले उठा रहे हैं, आयुक्त की भी बात की आपने, मगर मैं एक थोड़ा सा पैटर्न भारतीय जनता पार्टी नाथद्वारा का देखता हूँ कि वो कांग्रेस पर तो प्रहार करती है, नगर पालिका पर भी प्रहार करती है, मगर सीपी जोशी पर सीधा सीधा कुछ भी बोलने से, कुछ कड़े आरोप प्रत्यारोप से बचती है, क्या इसका कारण कहीं मतलब नेता का कद बहुत बड़ा है वो डर है, या फिर कि इन्होंने इतने काम करवा लिए कि इनके खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, तो ये सीधे बोलने से क्यों बचती है भारतीय जनता पार्टी? ये सब सीपी जोशी के अंडर में ही है ये एजेंसी सब, चाहे नगरपालिका हो चाहे पंचायत समिति हो। फिर भी हमने कभी ऐसा मीडिया में या फिर कहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से सीधे सीधे सीपी जोशी पर बहुत एक प्रबल प्रहार हो रहा हो राजनीतिक रूप से, ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। आप चुनाव में देखें, नहीं 5 साल ये प्रक्रिया चलती है, तो उसका हिसाब किताब रिपोर्ट कार्ड अभी सब चुनाव में मांग लेंगे, अभी से उनको क्यों अवेयर करें हम आपके क्या बोलने वाले हैं? नहीं, मगर फिर भी एक चलती है, जैसे कि जैसे राजसमंद में हम देखते हैं या अभी कुंभलगढ़ उधर भीम की तरफ जाते हैं, तो एक दूसरे के बड़े नेता के ऊपर लगातार मुखर रहते हैं, मगर यहाँ नाथद्वारा में आते आते भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी दाएं बाएं से बातें करती है, सीधे आक्रमण। जैसे आप दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इतनी
पैसे लगा दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, अब आप स्कूल्स खोल लेंगे लेकिन टीचर्स नहीं है, तो सेंस नहीं। अब इनके बोलना क्या, वो सब पब्लिक को दिख रहा है, पब्लिक जवाब देगी अब किसी भी जोशी जी को कि आपके ये काम करने से नहीं। आज आप देखिए, मैं आप दो चीज़ें बताता हूँ, एक तो हाईवे जी, केंद्रीय मंत्री रहते हुए हाईवे, अब हाईवे इतना इनएफिशिएंट हाईवे आपने कहीं नहीं देखा होगा पूरे भारतवर्ष में। जो ये निकलना चाहिए था बाहर, एक नया नादवरा वहाँ पे डेवलप होता, नहीं हुआ। आपने चीर के सब शहर का सत्यानाश करके और एक इंजीनियर फेलियर जो कहते हैं वो पुल आपने बनाया है जिसमें 80-80 स्पीड ब्रेकर हैं। एक हाईवे में कहाँ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, और वो पुल पे इतने, और इसका भुगतान कौन भुगत रहा है? जनता भुगत रही है कि आपका टोल ज़्यादा बढ़ गया। टनल बनती एक अलग बात थी, पर इस पुल का सब टोल का भुगतान अब जनता कर रही है, जो ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी जब आपस में हम बात करते हैं तब पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से, किसी प्रेस नोट के माध्यम से, तो ये बताती है कि इतनी खामियां हैं, इन चीज़ों में ये कमियां हैं, यहाँ भ्रष्टाचार है, मगर मुखर होकर कभी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कोई ऐसा राजनीतिक हमला किया हो ऐसा याद आता नहीं है। वो हो जाएगा हमला, तो आप चुनाव आने दीजिए, अभी सब पर्चे खुल जाएंगे इनके। अब देखिए, आप जैसे रेलवे का था, रेलवे मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने जो रेलवे लाइन की, वो बिल्कुल इनफिजिबल थी, जो हमारे माननीय सांसद महोदय ने वापस दुरुस्त करा के और उसको वहाँ भेजी। तो ऐसी ऐसी प्रोजेक्ट्स आप लेके आ जाओगे जिसका कोई मतलब नहीं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक और चीज़ है, जैसे दरीबा ले लो, वेदांत तक जी, अब उसमें आम आदमी वहाँ का लोकल कार्यकर्ता, कोई भी लोकल आदमी कितना प्रभावित हो रहा है, उनकी ज़मीनें गई, उनका पर्यावरण ख़त्म हो गया, उनको पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, और उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, और कांग्रेस के वालों की नौकरियां लग रही है, ठेकेर लग रहे हैं इनके, तो ये सब जनता देख रही है, और ये सब जनता आएगा सामने। और अभी बीच में हालांकि आप कह रहे हैं कांग्रेस की नौकरियां लग रही है, मगर अभी एक राजसमंद में साधारण सभा, जिला परिषद की साधारण सभा, जिला परिषद सदस्य के रूप में आपने वहां की कार्यप्रणाली लंबे समय तक देखी भी है, तो अभी हाल ही में जो जिला परिषद की एक जो सभा हुई उसमें कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया कि वेदांता में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग टेक्निकली बिल्कुल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी लेके आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनको वहाँ नहीं लगाया जा रहा। ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है, मगर भारतीय जनता पार्टी धरातल पर आकर कभी इस मुद्दे को उतना मुखर होकर उठाती नहीं है। उठाया हमारे सांसद मोदी ने बहुत बार बात की है, हमने भी बहुत बार बात की है, लेकिन ये ठंडे बिस्तर में डाल देते हैं, तो आने दीजिए, 5-6 महीने और वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि लोकल वालों को कैसे आप तवज्जो नहीं दोगे। ऐसा तो नहीं होगा आप अपने उनकी सबकी ज़मीनें आपने बिगाड़ दी, आप उसका पर्यावरण बिगाड़ दिया, आप उनको स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हो, और तो और फिर आप उनको पेट पे लात मार रहे हो, उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, लोकल को बाहर से ला के कर रहे हो, और दे रहे हो तो आप सिर्फ कांग्रेसियों के कहने पर दे रहे हो, तो ये तो कोई ये अन्याय हो रहा है, इसका भुगतान उनको कांग्रेस को करना पड़ेगा, जी भुगतेंगे। अभी कांग्रेस में आप पहले रहे हुए, तो कांग्रेस के पुराने कुछ मित्र होंगे, उनसे कुछ इनपुट लेते हो नहीं लेते हो पॉलिटिकल, आपकी मित्रता है और सब सक्रिय हैं, बातचीत होती रहती है। पूछते हैं आपको कि चुनाव लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल पूछते हैं। एक 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 चुनाव का एक थोड़ा सा मेरे को नातेदारा में आता है, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जहाँ पर एक कद्दावर चेहरा होता है तो वहाँ पार्टियाँ कोशिश ये करती है कि उनकी तरफ से भी एक मजबूत चेहरा तैयार किया जाए, मगर नातेदारा विधानसभा में न जाने क्यों ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती है कि कोई एक लीडरशिप को इतना मजबूत बनाने की यहाँ कवायद ही नहीं दिखती है कि आगे आने वाले चुनाव में उस एक चेहरे पर भी लड़ा जा सके। भारतीय जनता पार्टी कभी एक के व्यक्ति के पीछे किसी को मजबूत करने में नहीं रहती है, सब अपना काम करते हैं, और आप कोई भी विधानसभा देख लें, आप पर्टिकुलर एक नादवरा नहीं, कहीं भी देख लें, जो काम करता है वो आगे आएगा, और जो है वो पार्टी सब देख रही है, कौन कहाँ कितना सक्रिय है, कौन कितना मजबूती से आ रहा है, वो पार्टी देखती है। नाथद्वारा में क्या मुद्दे रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हाँ हम इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे? नाथद्वारा, अब नाथद्वारा क्यों, पूरे राजस्थान देखेगी कि 4.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, जिनका मंत्री ओपन बोल रहा है कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, तो वो पूरी जनता देख रही है। और नाथद्वारा में तो और मुद्दे हैं, हमारा नगर पालिका बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, पंचायत समिति में क्या काम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, हमारा दरीबा का मैटर है, अनेक मैटर हैं। आप क्रमोन्नत करके इनको कर रहे हैं सब पीएससी सीएससी को, लेकिन आपका स्टाफ नहीं है, स्कूल के कमरे बनवा रहे हैं लेकिन उनमें वापस स्टाफ नहीं है, तो और पब्लिक की सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पब्लिक की सुनवाई हो, आप अगर व्यक्तिगत सेटिस्फेक्शन नहीं होगा पब्लिक तो वोट कौन देगा आपको? आप 4.5 साल तक इधर उधर होटलों में घूमते रहे, अपनी सरकार म्यूजिकल चेयर खेलते रहे, तो इन चीज़ों का फर्क बिल्कुल आएगा, सामने आएगा, मालूम पड़ेगा कि जनता सब देख रही थी और वो जवाब देगी 2023 दिसंबर में। आप अपने क्या कहते हैं अवसर को लेकर कितना आश्वस्त है कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा वापस? नहीं, देखो मेरे को पार्टी ने वैसे ही खूब दिया,
मेरे को बुलाया और चुनाव लड़ाया, मैं पार्टी का आभारी हूँ। जो पार्टी की जैसी भी होगी, इसमें अवसर की बात नहीं है, पार्टी देख, मैं वापस कह रहा हूँ, पार्टी देख रही है ना कौन आपको मजबूती से आ रहा है, किसको पेश करना है, क्या है, वो सब समीकरण पार्टी देखती है और जो भी पार्टी जैसा आदेश देगी उसके साथ है। अपन तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कमल खिलेगा और उसके साथ अपन सब रहेंगे, हम सब उसी के साथ। आप जिस परिवार से आते हैं, एक राजतंत्र की एक व्यवस्था देश में लंबे समय तक चली, अब उस परिदृश्य में देखें तो आपका परिवार उन व्यवस्थाओं से सीधा सीधा जुड़ा रहा, आज आप उन्हीं व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप निभा, पिछले चुनाव में भी निभाई है, लगातार पंचायती राज के चुनावों में निभाई है, तो ये राजतांत्रिक व्यवस्थाओं से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महेश प्रताप सिंह जी बिल्कुल सहजता से सेटअप हो गए, या कहीं कहीं कभी कभार कुछ चीज़ें स्थितियाँ परिस्थितियाँ थोड़ी असहज लगती है? इसमें हेमेंद्र जी देखिए, मैं आज़ादी में ही जन्मा हूँ, आज़ादी के पहले का तो जन्मा नहीं जी, मैं आज़ादी के बाद जन्मा हूँ, तो जिसने आँखें आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र के उसमें खोली है तो बहुत सहजता से हमने किया, क्योंकि हम स्कूल में गए तो भी कोई फेवर हमको मिला नहीं अलग, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पब्लिक का प्रेम जरूर इस घराने के कारण हमको मिलता है और वो प्रेम दिखता है और वो इज्जत देते हैं, वो इस जो आप कहते हैं राजतंत्र, वो इज्जत हमको मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, तो उसका हमको वापस जिम्मेवारी से निर्वाहन भी करना पड़ता है, हमको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, वो सब चीज़ ये चीज़ें तो है, हमको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, पर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जिस सहजता से, वो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, एक आम पब्लिक की तरह हमने भी साइकिल चलाई है, हमने भी टांगों में घूमे, हम गिल्ली डंडा खेले, कंचे खेले, स्कूल गए, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी है। नहीं तो अब अगर फिर से थोड़ा सा अगर उन्हीं व्यवस्थाओं से बात करें तो अब समय निकाल लेते हैं राजनीति में आने के बाद, फिर से कुछ कि भाई मूवी देख ली, परिवार को समय दे दिया, इन इन सब चीज़ों के लिए? मूवी का मेरे को कॉलेज टाइम तो बहुत शौक था, लेकिन अब आप कहेंगे मूवी देखना, तो मेरे को लगता है कि मैंने तो शादी के बाद भी मूवी कोई 17-18 साल बाद एक दो देखी है, तो मूवी देखने का तो टाइम मिलता नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स लवर हूँ तो ये क्रिकेट मैचेस हों, चाहे बास्केटबॉल हों, चाहे टेनिस मैचेस हों, टीवी में बिल्कुल मौका देख के देखता हूँ। हाँ, कभी घर में बैठे हैं तो यही मूवी देख लेते हैं, पर हाँ कम है, बहुत कम, मूवी बहुत कम होगी। मूवी सबसे बेहतरीन, हालांकि नरेंद्र मोदी जी का नाम मत लीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल पूछता हूँ तो एक ही नाम निकल के आता है, मोदी जी के अलावा सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल हीरो कौन है आपका, कि हाँ ये मेरे को सब ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में? नहीं नहीं, ओवरऑल में वो पार्टी की बंदिश नहीं। नहीं नहीं, देखिए मेरे को अटल जी बहुत पसंद थे, उनके तो नाम लेते ही हमारा देख, और मैं एक फैन हूँ चंद्रशेखर जी का जी, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, चंद्रशेखर जी बहुत दबंग थे और वो युवा तुर्क थे, उनकी उनसे मैं बिल्कुल बहुत प्रभावित हूँ जी। तो अब आखिर में आते आते चुनाव की भी हमने बातें कर ली, आपके निजी जीवन से भी हम जुड़े रह गए, ये अभी जो पूरी राजनीतिक चीज़ें चल रही है नाथद्वारा में भी मान लीजिए, पूरा हम जिले को देख लेते हैं, तो दावेदारी की ये जो एक पूरी की पूरी फेहरिस्त शुरू होती है जिसमें कि नाथद्वारा में आते तो भी हमें 7-8 चेहरे दिखाई देते, तो ये जो राजनीति में जो नए नए युवा आ रहे हैं, आपको लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं विधायक के तौर पर नहीं मगर पार्टियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको भी एक अहम भूमिका निर्वहन करने का एक अवसर मिले आगामी इस चुनाव में? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब ये बात आप कांग्रेस वालों को ना, बहुत टाइम हो गया सीपी जोशी को, युवाओं को आगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बाकी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और अभी युवा आपके लिए भी चुनाव आसान हो जाएगा अगर सीपी जी ने लड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा नहीं तो चैलेंजिंग लाइफ में चैलेंजेस होते ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं युवाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए, और आज का जो यूथ है वो बहुत ही सक्षम है, बहुत पढ़ा लिखा है, और आजकल कंप्यूटर युग में है, तो युवाओं को आगे आना, उनकी सोच बहुत बड़ी है, एंड स्काई इज़ द लिमिट। अब हमारे टाइम तो सिर्फ MA और MCOM या BSc यही होते थे, 3 सब्जेक्ट होते थे, अब स्काई इज़ द लिमिट, आपके ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका नाम ही नहीं सुना है। अब मेरी बच्ची ने साइको की है, जो अजीब सा नाम से होती है, तो लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि बहुत से एजुकेशन ऐसे खुले हैं हमको नाम ही नहीं आते जी। तो युवाओं की एक महती भूमिका धीरे 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 सुनिश्चित करनी चाहिए, पॉलिटिकली भी करनी चाहिए बिल्कुल जी। तो देखा आपने, हालांकि मैं जब भी इस इंटरव्यू के लिए आया था तब भी मैं अपने मन में एक तस्वीर लेके आया था कि बड़ी सहजता सरलता से बातें होगी, अमूमन हम हालांकि वीडियो के लिए जब बातें करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि आगे वाले थोड़े आक्रोशित हो, थोड़ा गुस्सा दिखाए ताकि लोग उस वीडियो से ज़्यादा जुड़े, मगर यकीनन अगर किसी गंभीरता के साथ सहज सरल तरीके से बात की जाए तो
वो उसका एक अपना अलग प्रभाव होता है, और वो प्रभाव शायद इस एक इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा होगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों तक पहुंचा होगा नाथद्वारा का राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक भूमिका, महेश प्रताप सिंह जी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कुछ ऐसे पहलू जो शायद आप तक आज नहीं पहुँचे, आज से पहले उनको भी हमने पहुँचाने की कोशिश की, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम दावेदारी के माध्यम से राजसमंद की तमाम विधानसभाओं से कुछ ऐसे दावेदारों को आप तक पहुँचाएँ जो आगे आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।